हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिली ग्रीन ब्लॉग फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे हैं? भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन आजकल गर्मी की वजह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो आज का ब्लॉग है मेरा आधा मायका आधा ससुराल वही वाला ब्लॉग है, देख लीजिए। ये है ना हमारा जो काजू का जो पौधा है, काजू का पेड़ है, देख लीजिए। बड़ा है, एक ही पेड़ है लेकिन बहुत बड़ा है। तो मायके में आई हूँ, तो मायके से मेरे जा रहा है झाड़ू, नारियल और क्या क्या जा रहा है तो देखिए ना। और इधर मेरे मामा जी के घर भी एक टावर लगा हुआ है, मेरे मायके में भी लगा हुआ है। इधर आती हूँ तो मुझे मायके में तो आपको पता है, रोड चली जाओ थे देखिए। देखिए गांव में तो सारे हरियाली हरियाली होता है ना, घर के पास भी होता है सब पेड़ वगैरह, तो अभी अच्छा लगता है। पर ये देखिए गाय बछड़ा सब है, गाय दूध देते हैं, हम मायके में दूध की कमी नहीं है, दही दूध वो खाओगे शाम को, मतलब 4-5 बजे तक तो हम घर से फिर से निकले, मायके से घर निकल गए हैं माँ बेटी और मतलब उनको 5 मिनट लग गया, 1.5-2 घंटा लग गया। आने के बाद में कोई वीडियो नहीं बना पाई, मुझे बहुत टायर्ड लग रहा था। तो अगले दिन सुबह मेरे जो गुलाब का पेड़ है, गुलाब का गच्छ है जो, वो ना नीचे गिर रहा था। कहीं इधर जाओगे, हम जब ट्यूबवेल जाते थे, ट्यूबवेल जाओगे तो आपको पता है ना, जो सबको तो पता है, और जो हमारा गुलाब का पेड़, उसमें गुलाब में कंटा तो होता है। तो इधर जाओगे तो जो बोरवेल जाओगे तो वहाँ क्या होगा ना, चुभ जाएगा जो कंटा, तो इसीलिए मैं उसको एक रस्सी में बांध रही थी। और इधर एक हमारा गुलाब का फूल है, और क्या बोलते हैं, तो ये है जो मोगरा का फूल है, हमारा यहाँ मल्ली फूल कहते हैं मोगरा को, मतलब उड़ीसा में हर साइड, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट वाइज, मतलब अलग अलग राज्य में, अलग अलग राष्ट्र में अलग अलग कहते हैं, लेकिन गुलाब को तो गुलाब बोलते हैं, मोगरा फूल को हमारे यहाँ मल्ली फूल कहते हैं। तो आप लोग जो बोलते हैं गुड़हल, गुड़हल को तो हमारे यहाँ कहते हैं मंदार फूल, तो इसीलिए उड़ीसा का लोग दूसरे स्टेट का दूसरे सब नाम से कहते हैं। तो जो हमारा गुलाब का कांटा चुभ जाएगा, इसीलिए मैं उसको हल्का से बांध रही थी। और देखिए जो मोगरा का पौधा का कितना है, उसका कैसे इधर उधर फैले फैला गया है, क्योंकि जो गुलाब के फूल के साथ उठा हुआ ना, इसीलिए इधर उधर फैल गया। तो उसको हम दोनों मिलकर बांध रहे थे, और मैं मायके से लाई थी कुछ पेड़, बहुत दिनों के बाद गई थी तो कुछ गच्छ लाई थी, छोटा छोटा गच्छ लाई थी। तो उसको मैं सुबह ही लगाने के लिए बाहर निकली, तो देखी तो जो हमारा गुलाब का जो उसकी जो ब्रांचेस है, मतलब इधर उधर का बहुत हो गया था, तो उसको बांध रहे थे।
उसके बाद जो मैं आजकल का एक मेरे माँ मतलब उसका चारा बनाई थी, छोटा छोटा पौधा हुआ था, दो बीज को बोई थी तो छोटा छोटा पौधा हुआ था, वो जो क्या बोलते हैं गेंदे फूल का, तो वो बोले ले ले जाओ, वो तो मैं दिखाई थी शायद ब्लॉग में, मायके के ब्लॉग में दिखाई थी कितने अच्छे फूल फूटा था, तो मैं बोली चलो मैं भी लगा लेती हूँ, पर नज़दीक में भी तो है, मैं जब जाऊँगी बोरवेल तो मतलब घर के सामने में थोड़ा बहुत इधर जो पानी दे दोगे तो अच्छे से हो जाएगा, तो मैं उसको सुबह सुबह लगा रही थी, नहीं तो मर जाएगा ना। और लाई थी लेमन ग्रास, पहले तो मेरे पास लेमन ग्रास था लेकिन मर गया है लेमन ग्रास। और ये एक दूसरी टाइप का मैं पोई का पौधा लाई हूँ, जो हमारा पोई होता है ना, बड़ा बड़ा पौधा आता है, बड़ा बड़ा पत्ता आता है, लेकिन वो दूसरी टाइप का जो पोई लाई हूँ पोई, तो उसका पत्ता ना एकदम छोटा छोटा सा, जब बड़ा होगा मैं आपको दिखाऊंगी, नहीं तो किसी ब्लॉग में दिखा दूंगी, तो उसको भी लगाई थी, उसका मैं क्लिप नहीं बनाई तो नहीं तो दिखा देती हूँ। और ज़्यादा कुछ मतलब सुबह वाला करो एकदम, तो अभी तो गर्मी हो रहा है, थोड़ा भी कुछ काम करोगे तो जल्दी से टाइम हो जाता है, और गर्मी में कुछ काम करने को ही मन नहीं करता है, सुबह सुबह कुछ कर लेगा तो अच्छा है, थोड़ा भी लेट हो जाएगा ना, कुछ काम करने को भी नहीं मन कर रहा है, तो ज़्यादा मतलब इधर उधर का नहीं। और पे जो पौधा सब लगा रही थी फूल गछ का, तो फूल पौधा लगा तो अच्छा लगता है ना, सबको भी अच्छा लगता है, आजकल तो गर्मी बहुत होता है, दोनों टाइम पानी नहीं दोगे तो पौधा भी मर जाएगा। देख लीजिए मैं कैसे करती हूँ, कैसे लगाती हूँ। तो अपना काम खुद ही करो तो अच्छा लगता है, किसको बोलोगे, आजकल भी कोई भी नहीं मिलते हैं, किसको बोलोगे आओ लगा दो ये करो वो करो, छोटा छोटा तो काम तो खुद ही कर लो तो अच्छा है, और सेहत के लिए भी अच्छा है। आपको तो मैं पहले भी बताई, मतलब मेरे ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे मुझे, इसे मेरे बागान में कुछ काम करो तो अच्छा लगता है, और फूल पौधा तो और भी अच्छा है। और प्याज लहसुन तो मैं लगाई थी, आपको तो दिखाई भी हूँ, बहुत बार मैं दिखाई हूँ आपको, और आगे मैं क्या लाई हूँ मैं आपको आगे वाला क्लिप में आप देख लो मैं क्या क्या लाई हूँ मायके में, मायके से माँ क्या क्या दी है। और ये देखिए लेमन ग्रास है, और लेमन ग्रास तो जो काली चाय बनाओगे तो अच्छा लगता है ना लेमन ग्रास, तो लेमन ग्रास को मैं लगाने के लिए ले गई थी और लगा भी लिए हूँ। और ये सारे बहुत मतलब कचरा भी हो गया, घास हो गया है साइड में, उसको भी मैं साफ कर रही थी, ऐसे बीच बीच में काम साफ नहीं करोगे तो मतलब घास बहुत हो जाएगा, तो उसको भी साफ कर रही थी। और आज बहुत लेट भी हो गया, नहा के पूजा करने के बाद बहुत लेट हो गया था, और लॉन्ग वीडियो तो नहीं बना पाई क्योंकि लेट भी हो गया ना। गेंदे फूल ही मैं लगा रही थी, और इसे मिट्टी के ऊपर लगाएगा ना बहुत अच्छे से वो मतलब होता है, ब्रांचेस भी निकलता है, बहुत अच्छे से फूल भी फूटता है, और इसे गमले में दोगे तो ज़्यादा नहीं होता है, जितना उसको पौष्टिक होता है, जितना पोषण होता है उतना नहीं मिल पाता है ना, इसीलिए नहीं होता है, लेकिन मिट्टी में इसे नीचे लगा दोगे तो खुरपी में खोद के मैं उसको लगा रही थी। तो देखिए ये नारियल माँ ने दी थी, और ये हल्दी क्या करें ना, हल्दी को दी है तो अपने बागान में ही हल्दी हुआ था, उसको सिझा के उसको ग्राइंडिंग करके भी भेज दी है, मेरी भेज दी क्या मतलब हमको दी है, हम लेके आए हैं,
ये हल्दी है। अच्छा ये हल्दी है और क्या क्या दी है। हम तो मतलब बिजी में थे और झाड़ू भी दी है, नारियल की झाड़ू घर में ही मिल जाता है मुझे। तो आज का ब्लॉग बस उतना ही, अभी मैं रखती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।